click here to subscribe our channel and also click the bell icon and never miss the any update of our channel. Hey guys, this is your host Abhi Singh. So guys, today I'm going to show you how to get app permission on Android version Marshmallow and Nougat. सो गाइस, जितने भी ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर फ़ोन चलते हैं उनका ऐप परमिशन दूसरे तरीके से होता था, बट जो पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे मार्शमैलो में, तो उससे दूसरा तरीका से होता है. तो गाइस, आई एम गोइंग टू शो यू, सो लेट्स स्टार्टेड. सो गाइस, जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते होगे अपने फ़ोन पे, तो जैसे ही आप गिव परमिशन मांगता होगा, जो कि अभी जितने भी फ़ोन्स में वो सभी में मांगता है, तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी गाइस कि जैसे ही आप ओपन करते होगे तो ओवरले स्क्रीन डिटेक्शन का इशू आता होगा. तो सर गाइज, आपको करना ये है कि मैं अभी शो करने वाला हूँ. जैसे कि मैं अपने फ़ोन्स के एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में गया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में एक सेटिंग्स ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी गाइज ऐप परमिशन दे रखा है. तो यहाँ पे आप सभी का देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे का ऐप परमिशन दे रखा है. तो मैंने यहाँ पे अभी माइक्रोफोन का परमिशन ऑन करा. तो जैसे ही मैंने इसका ऑफ करने का सोचा, तो ये दिखा रहा है गाइज स्क्रीन ओवरले डेडिकेटेड. तो जैसे ही गाइज ओपन करोगे तो ये खुल गया स्क्रीन ओवरले डेडिकेटेड. बट यहाँ से गाइज इस वर्जन में कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो यहाँ से होने वाला नहीं है, बिकॉज ये पुराना वाला वर्जन नहीं है. तो मैंने गाइज यहाँ पे किनी मास्टर देख रहे होंगे, यहाँ पे ओवरले डेडिकेशन दिखा रहा है. तो मैं इसको ओपन करूँगा. तो ओपन सेटिंग आप देख रहे होंगे गाइज, वही फिर से ड्रा ओवर द ऐप. अगर आप सबको नो कर दो, यहाँ पे यस कर रखा है, बट तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि गाइज ये पुराना वाला वर्जन नहीं है, क्योंकि पुराना वाला वर्जन में हो जाता था. तो गाइज, आपको करना क्या है कि सिंपली आप अपने फ़ोन के पावर ऑफ को क्लिक करो एंड पावर ऑफ ऑफ बटन को थोड़ा देरी के देर तक प्रेस करो. देन जैसे ही आप प्रेस करोगे, यहाँ पे आप दिखाई देगा रिबूट टू सेफ मोड, आप उसको ओके कर दो. तो जैसे ही गाइज आप फ़ोन बूटअप होगा, तो दिखा रहा है ये फाइनली बूटअप हो गया. सो गाइज, इट्स टेकिंग सम टाइम. सो ये फाइनली अभी बूटअप होने वाला है. सो गाइज, ये बूटअप हो गया. तो आप देख रहे होंगे गाइज, यहाँ पे सेफ मोड दे रखा है, तो ये सेफ मोड में खुला हुआ है. गाइज, जैसे ही आप फ़ोन को ओपन करोगे, और जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो यहाँ पर शो नहीं करेगा, आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये सेफ मोड में खुला हुआ. तो आप जैसे ही आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाओ एंड वहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, जस्ट होल्ड ए सेकेंड. तो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में गया गाइज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐप्स का. तो ऐप्स में आप जैसे ही जाओगे, आप जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप है यहाँ पे शो करेगा, बट वो मेन वाले स्क्रीन पर शो नहीं करेगा. तो गाइज, यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाके ऐप परमिशन पे क्लिक करो. एंड देन गाइज, मैंने माइक्रोफोन का किनी मास्टर का करना था, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, तो ये हो जाएगा. आपको कुछ दिक्कत वैसे आएगी नहीं, जो कि पुराने वाले वर्जन में आती थी. तो ये सिंपली है गाइज, जो कि अच्छा है. तो आप कर लो एंड फ़ोन को रीस्टार्ट कर दो, तो ये फिर दोबारा से वैसे ही हो जाएगा. तो गाइज, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को. थैंक यू.